प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है सन 1857 की क्रांति में भारतीय राजाओं की भूमिका, पक्ष और विपक्ष। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। ये आखिरी मुगल बादशाह रहे भारत में। 1862 ईस्वी में रंगून में इनकी मृत्यु हुई। ये अंग्रेज़ों की जेल में रहे। इसके बाद मुगल वंश सदा सदा के लिए भारत से समाप्त हो गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत आए। ये 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल के पद पर रहे। इनके द्वारा सफल नेतृत्व के द्वारा 1857 की क्रांति को दबाने में कामयाब हुए। ये भारत के पहले वायसराय रहे। माता दीन भंगी को 1857 की क्रांति में मैन सूत्रधार के रूप में जो है माना जाता है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी, बैरकपुर आजकल जो है पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, और मंगल पांडे वो पहले वीर थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह किया, हथियार उठाए। 1857 की क्रांति के अंदर जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ वो केंद्र यहाँ आपके सामने दिए गए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर जो इन्होंने क्रांति की, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा झांसी का विलय लैप्स की नीति के तहत कर लिया गया था। रानी झांसी ने कहते खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी, ये कहावत जो है आज हर बच्चे की ज़ुबान के ऊपर है। नाना साहब इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, तो नाना साहब ने जो है 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तातर तोपे, ये उस समय का चित्र है। तातर तोपे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नाना साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और झांसी की रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये उस समय का चित्र है जब इन्हें पकड़ लिया गया और फांसी से पहले इनके हाथों में बेड़ियाँ डाल रखी हैं। लखनऊ से हजरत महल के नेतृत्व के अधीन लखनऊ में 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया गया। बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा बिहार के अंदर अंग्रेजी सरकार से लोहा लिया गया। राव तुलाराम, ये हरियाणा के रिवाड़ी ज़िले से हैं, इनकी वीरता के आगे अंग्रेज दंग रह गए थे। अब ये विपक्ष के जो आते हैं आपके सामने, महाराजा नरेंद्र सिंह वो महाराजा हैं जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की मित्रता के कारण अंग्रेजी सरकार के विश्वास पात्र रहे और 1857 की क्रांति को दबाने में इनका बहुमूल्य योगदान रहा। इन्होंने रोहतक के अंदर, हांसी के अंदर, करनाल के अंदर अपनी सेनाएं भेजी और समय समय पर अंग्रेजों को धन से और सैनिकों के माध्यम से सहयोग किया। राजा सरदार सिंह बीकानेर एक ऐसी रियासत थी, एकमात्र रियासत थी जो 1857 की क्रांति में जिसने हरियाणा के अंदर भी विद्रोह को दबाने में अपना बहुमूल्य योग दिया। रानिया में, हांसी में, हिसार में, सिरसा में इनके सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजा स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय जींद रियासत के महाराज थे। इनके नेतृत्व के अधीन अंग्रेजी सरकार के लिए जींद की सेना ने
विद्रोह को दबाने में बहुमूल्य योगदान दिया। इन्होंने करनाल में, पानीपत में, रोहतक में अपनी सेनाएं भेजी और यहाँ तक कि राजा स्वरूप सिंह ने स्वयं भी क्रांति को दबाने में अपनी सेना का नेतृत्व किया। ये अंग्रेजों के विश्वास पात्र रहे। जाजी राव सिंधिया ग्वालियर, ये महाराज जाजी राव सिंधिया, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया विद्रोह कर देते तो भारत से हमें बाहर जाना पड़ता। तो सिंधिया जो है अंग्रेज़ों के विश्वास पात्र रहे और 1857 की क्रांति में भारतीय विद्रोह को दबाने में अपना बहुमूल्य योगदान अंग्रेज़ों के पक्ष में दिया। महाराजा स्वाई मानसिंह द्वितीय जयपुर, आपके सामने दिखाई दे रहा है जयपुर के महाराज स्वाई राम सिंह द्वितीय। इन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों को बहुमूल्य योगदान दिया, अंग्रेज़ों के विश्वास पात्र के रूप में रहे। कैप्टन हेडसन दिल्ली का खूनी दरवाज़ा, बहादुर शाह जफर को इन्होंने हुमायूं के मकबरे से पकड़ा था और इसके साथ साथ हुमायूं के दो पुत्र उनके एक पोते का वध इनके द्वारा किया गया था और वध करने के बाद इसी दरवाजे के ऊपर 7 दिन के लिए उनका शव जो है टांग के रखा गया था। ये आपको जो है ये फांसी का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये तोपों के सामने क्रांतिकारियों को बांध के जो है किस प्रकार से क्रांतिकारियों को जो है यातनाएं दी जाती थी, उन्हें मृत्यु के घाट उतारा गया था। इसके साथ साथ कुछ और रियासतें हैं, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक पर 9 फरवरी 1858 को फांसी पर लटकाया गया। झज्जर के अब्दुल रहमान खान जिन्हें 1858 में जिन्हें फांसी पर लटकाया गया। फरुखनगर के अहमद अली गुलाम खां जिन्हें चांदनी चौक के ऊपर 23 जनवरी 1858 को फांसी पर लटका दिया गया। रानिया के नवाब नूर समद खां फिरोजपुर के अंदर इन्हें फांसी पर लटकाया गया। हांसी के लाला हुकमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग दोनों को फांसी पर लटकाया गया। इसी प्रकार से कहते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है अंग्रेज़ों की क्रूरता के कारण भारतीय राजाओं के सहज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। सभी को मेरा नमस्कार।